हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रह सोनाली। दोस्तों, कैसा लगेगा जब आप सबके बीच खड़े हों और आपको कोई देख ना पाए? आप कहेंगे कि यह तो फिल्मी बात है या फिर कोई जादू का दावा। अमर होने से ज़्यादा लोगों में गायब होने की तमन्ना बहुत अधिक देखी जाती है। जिसने भी मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी वह जानता होगा कि इसके कई फायदे भी हो सकते हैं। गायब होना यानी अदृश्य होना इंसान की बहुत पुरानी इच्छा रही है, जिसके लिए समय समय पर कई अलग अलग तरह के प्रयोग भी होते रहे हैं। इसके लिए कई सिद्धांत भी गढ़े गए हैं। हालांकि अभी अदृश्य होने का कोई पुख्ता फॉर्मूला विकसित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अमेरिका सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं, ताकि हजारों अदृश्य मानवों से कई तरह की जासूसी करवाई जा सके। वेद, महाभारत और पुराणों में कई ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं जिसमें कहा गया है कि देवता अचानक प्रकट हुए और फिर गायब हो गए। हनुमान जी के बाद भगवान कृष्ण के पास ही ऐसी विद्या थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई नुस्खा है जिसके माध्यम से आप गायब हो सकते हैं? भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन गायब होने के मजे तो आएंगे ही। हालांकि हम जो यह बताने जा रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है यह तो हम भी नहीं जानते, लेकिन संभवतः ऐसा हो सकता है। आजमाया तो किसी ने भी नहीं है, लेकिन जानते जरूर हैं कि एक ऐसी बूटी होती है जिसको मुंह में रखने के बाद व्यक्ति गायब हो सकता है। जब तक यह बूटी मुंह में रखी रहती है या वह पूरी तरह से गल नहीं जाती, तब तक इंसान दिखाई नहीं देता। आयुर्वेद में भी गायब होने की जड़ी बूटियों के संबंध में लिखा गया है। एक ऐसी जड़ी बूटी बनाई जाती है जिसको खाने से जब तक उसका असर रहता है तब तक इंसान गायब रहता है। भारत के हिमालयन राज्यों में एक ऐसी धारणा है कि इस जड़ी बूटी के माध्यम से एक ऐसी गोली बनती है जिसको मुंह में रखने से व्यक्ति तब तक के लिए अदृश्य हो जाता है जब तक कि उस गोली का असर रहता है। और यह जड़ी बूटी बनती है सफ़ेद पलाश के फूलों से। पलाश अक्सर पीला और सिंदूरी रंग का होता है, लेकिन सफ़ेद पलाश बहुत ही दुर्लभ माना गया है। लोगों का मानना है कि यह फूल बहुत ही चमत्कारी होता है। लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ घर लाकर पूजन कक्ष में स्थापित करते हैं। तंत्र शास्त्र में इस वृक्ष के फूल से यंत्र बनाने का प्रयोग भी बताया गया है, जो धन लक्ष्मी के लिए बहुत कारगर बताया जाता है। जिस किसी के घर में भी सफ़ेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है वह धन वर्षा होना शुरू हो जाती है। जिंदगी भर किसी भी प्रकार की धन दौलत आदि की कमी नहीं रहती। दोनों ही पौधों के आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में कई और भी चमत्कारी प्रयोग बताए गए हैं। पलाश के फूल को टेसु का फूल भी कहा जाता है। इसे ढाक का फूल भी कहा जाता है। यह बसंत ऋतु में खिलता है। पलाश तीन तरह के होते हैं, एक वह जिसमें सफ़ेद फूल उगते हैं, दूसरा वह जिसमें पीले फूल उगते हैं और तीसरा वह जिसमें लाल या नारंगी रंग के फूल लगते हैं। यह माना जाता है कि सफ़ेद पलाश के फूल से एक गोली बनती है जिसे मुँह में रखने के बाद आदमी तब तक गायब रहता है जब तक कि वह गोली पूरी तरह से गल नहीं जाए। तीनों तरह के पलाश में कई चमत्कारी गुण होते हैं। माना जाता है कि सफ़ेद पलाश के पत्तों से पुत्र की प्राप्ति भी की जा सकती है, जबकि इसके पौधे के घर में रहने से धन और समृद्धि बढ़ती है। पलाश के पत्ते, डंठल, फली और जड़ तक का भी बहुत अधिक महत्व है। पलाश के फूलों को पीस कर चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक भी बढ़ती है। पलाश की फलियां कृमिनाशक का भी काम करती हैं। पलाश के फूलों के सेवन से बुढ़ापा दूर रहता है। इसके फूलों के उपयोग से लू नहीं लगती, साथ ही स्किन से संबंधित रोगों में भी यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके पांचों अंगों, तना, जड़, फल, फूल और बीज से दवाइयां बनाने की भी कई विधियाँ बताई गई हैं। इसके पेड़ से एक गोंद भी मिलता है जिसे कमरकस कहा जाता है। इससे वीर्यबान बना जा सकता है। पलाश के फूलों को पीसकर दूध में मिलाकर गर्भवती स्त्री को पिलाने से बलवान संतान का जन्म होता है। और सफ़ेद पलाश के फूल चांदी की गणेश प्रतिमा और चांदी में मढ़े हुए एकाक्षी नारियल को अभिमंत्रित करके तिजोरी में रखें, इससे धन संपत्ति बढ़ती है। दोस्तों, यदि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे नीचे थम्सअप के बटन पर क्लिक करके लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे इस ग्रह सोनाली चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। एक नई और बहुत ही अच्छी सी जानकारी लेकर
मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।